नाम लीला गुणादि नाम उच्चे भार्षे तु कीर्तनम। कीर्तन एटले श्री ठाकुरजीना गुणगान गावा अने पुष्टिमार्गीय कीर्तन एटले पुष्टि भक्तों द्वारा गवायेला रचायेला पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभुनी लीलाना गुणगान। श्री महाप्रभुजी तेमज तेमना सुपुत्र श्री गोसाईजी महाराजना समय में तादृश्य भगवत कृपाथी श्रीजीनी लीला थती अने ते लीला समय कीर्तन रूपी गुणगान स्वयं प्रभुनी सन्मुख गवाता हता। No!
સંવંત 1556માં શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ શ્રીનાથજીની મંદિરમાં સ્થાપના કરી અને તે સમયે કીર્તન સેવા કુંભનદાસજીને સુપ્રત કરી અને અહીંથી એટલે કે તે સમયથી આ પુષ્ટિમાર્ગીય કીર્તન પરંપરાનો પ્રારંભ થયો, તેનું પ્રસ્થાપન થયું. નૈનો પલખ લાગે નાહી રૂપ દે પલક લાગે પલક લાગે નાહી રૂપ દેખ નૈના પલક લાગે કહા
प्रभु के मिलावे को सुंदर बात सखियन वल्लभाचार्य जी ना चार सेवको श्री कुंभनदास जी श्री सूरदास जी श्री परमानंद दास जी अने श्री कृष्णदास जी तेमज श्री गुंसाई जी महाराज ना चार सेवको श्री गोविंद स्वामी जी श्री छीत स्वामी जी श्री चत्रभुज स्वामी जी अने श्री नंददास जी आ आठे सेवको ने गुंसाई जी महाराजे श्री जी नी आठ सेवा मंगळाथी मांडीने शयन सुधीनी आ आठे सेवानी कीर्तन सेवा वेची दीधी अने त्यारथी आ अष्टछाप कीर्तननी प्रणाली अस्तित्वमां आवी। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो पूरन
मूढ़मती जित तित चिता भटका प्रभुना गुणगान रूपी कीर्तन भक्ति ने ज कलियुगमा सर्वश्रेष्ठ मार्ग कयो छे। अने कीर्तन एटले गायन वादन अने नृत्य द्वारा अपना चित्तने प्रभुमा परोवानी क्रिया। श्रीमद महाप्रभुजीए निरोध लक्षणमा आज्ञा करी छे के गोविंदना गुणगान गावाथी ज अलौकिक सुखनी प्राप्ति थाय छे। कीर्तननुं गान अने श्रवण हृदयनी मलिनताने दूर करे छे। कीर्तनमां ज ભગવાન અને ભક્તનું સુખ સમાયેલું છે અને આપણી ભક્તિની નિષ્ઠા સિદ્ધિ માટે કીર્તન આવશ્યક છે। तक
को लगे ना तक गोविंद